नेताजी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। जिन्होंने इस सरकार में बहुत अच्छा काम किया और इस सरकार में हमने भी बहुत सहयोग किया। हमने भी 4 सालों में बहुत सहयोग किया और मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं और पूरे समाजवादियों से कहना चाहता हूं, कितना हमसे त्याग लोगे, कितना त्याग लेना चाहो, यहां तक कि अगर खून मांगोगे खून भी दे देंगे। मुख्यमंत्री मुझे नहीं बनना, मुझे मुख्यमंत्री कभी नहीं बनना। मैंने 4 साल बहुत सहयोग किया, लगातार सहयोग किया, कितना भी मेरा अपमान कर लेना, कितने बार भी मुझे बर्खास्त कर लेना, मैं जानता हूं कि अच्छा काम किया अखिलेश यादव ने, अच्छा काम किया। हम लोगों के बीच में कुछ घुस बैठिए घुस गए, वो जानते हैं, वो ऐसा माहौल पैदा करते हैं, ऐसा माहौल पैदा करते हैं, उससे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन जहां पर भी नेताजी का अपमान होगा, हम ये सब बैठे समाजवादी पार्टी के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछले दिनों भतीजे अखिलेश के साथ शिवपाल की तनातनी के बाद माना जा रहा था कि इस कार्यक्रम को वो अपने शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हालांकि इससे पहले 3 नवंबर को अखिलेश की रथ यात्रा में जिस तरह पूरा परिवार एक साथ खड़ा दिखा था, वही नजारा आज फिर देखने को मिला। हम ये कहते हैं कि हम सब मिलकर एक बार फिर, अगर आप चाहें तो हम सब मिलकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों को लौटाने का काम करें। मुझे खुशी है इस बात की कि ये जो शानदार पार्क बना है 400 एकड़ का, पंडाल में तो है ही है लोग, लेकिन कम से कम इतना बड़ा है ये कि लोग फैले हुए हैं चारों तरफ है, लेकिन अभी भी खाली पार्क हमारा दिखाई दे रहा है। ये पार्क ऐतिहासिक पार्क है और आज का कार्यक्रम भी ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि यहां से लौटने वाला हर समाजवादी पार्टी ये मन बना करके जाएगा कि 2017 में तो हम लाएंगे ही लाएंगे सरकार, और 2019 में भी ऐतिहासिक फैसला उत्तर प्रदेश से होगा, जो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश ही ऐतिहासिक फैसला करे देश की राजनीति में। वहीं यूपी में महागठबंधन की चर्चाओं के बीच इस मौके पर आज मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, अजीत सिंह और शरद यादव एक मंच पर दिखे। महागठबंधन की चर्चाएं गर्म हैं, इसलिए कई दलों के बड़े दिग्गज नेताओं को भी बुलाया गया। तो वहीं पूर्व पीएम और जनता दल सेक्युलर के अध्यक्ष HD देवगौड़ा के लखनऊ पहुंचने पर खुद मुलायम सिंह यादव उनके स्वागत के लिए बाहर आ गए। RJD अध्यक्ष लालू यादव के कार्यक्रम में मौजूद रहने से ये संकेत भी मिल रहे हैं कि यूपी में भी बिहार की तरह महागठबंधन बनाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव ही ये इशारा कर चुके हैं कि चुनाव से पहले गठबंधन के विकल्प खुले हैं। ऐसे में आज का कार्यक्रम चुनावी रणनीति के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। JK247 न्यूज के लिए पराग गुप्ता की रिपोर्ट।